एचआरटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में दर्शन सेवा को योजनाबद्ध तरीके से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 175 रूट पर बसें चलाई जाएंगी। इसमें 45 बसें तो हरिद्वार के लिए ही चलेंगी, साथ ही वृंदावन, ब्यास आदि के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। अयोध्या के लिए भी 6 बसें चलाने का फैसला लिया गया है। क्या बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सुनिए। एक तो जो दर्शन सेवा शुरू कर रहे हैं, प्रथम दर्शन सेवा, हिमाचल दर्शन सेवा, जो कि ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है हमने, और हमने 175 जो रूट्स हैं जिनमें हमारी बसें जाएंगी या जाती हैं, उनको दर्शन सेवा के नाम से अब हम चलाएंगे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इससे हमने तैयार किया है, और इन बसेस की स्पेशल ब्रांडिंग की जाएगी, और ये कितने बजे कहाँ से चलेंगी, कहाँ पहुँचेंगी, पहले भी चलती रही हैं, लेकिन बसें सामान्य तौर पे जाती थी, लेकिन एक अब एक योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का एचआरटीसी की हमने फैसला किया है कि अयोध्या को बसें चलाएंगे। तो हालांकि बहुत लंबा रूट है, लेकिन 6 बसेस जो हैं, 6 रूट्स जो हैं, हम अयोध्या के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं वहां की सरकार के साथ, ताकि हमारी बसेस वहां पे जा सके। कुछ बसेस वृंदावन को जानी है, हरिद्वार को जानी है, या फिर अमृतसर को जानी है, ब्यास को जानी है। एचआरटीसी में इस साल 902 लोगों को रोजगार दिया है। कंडक्टर की भर्ती प्रक्रिया शुरू है, चालकों की भर्ती भी तत्काल शुरू करने जा रहे हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। करुणामूलक आधार पर और पीस मील वर्कर को नौकरी देने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का क्या कहना है, सुनिए। निगम ने जो है 2024 के दौरान जो है 902 लोगों को रोजगार दिया, और अभी हमारे कंडक्टर्स का हमने कमीशन के थ्रू करवाया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। ड्राइवरों की भर्ती जो है हम तत्काल करने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो ड्राइवर का भी और कंडक्टर्स का भी। और जो करुणामूलक है हमारे पास, उसमें से 76 लोगों को हम जल्द ही नौकरी देने जा रहे हैं। 76 के आसपास लोग जो हैं उनको हम नौकरियां देंगे, और जो दूसरे हमारे पीस मील वाले उनमें से कुछ बच गए हैं, 100-125 बच गए हैं, उनको जो है नौकरियां देने के लिए जो है हमने फैसला किया कि किसी भी ढंग से हम उनको नौकरियां उपलब्ध करवा पाएंगे।